अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स द, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है प्लासेंटा को अटैच होती है उसमें क्या 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 होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन टू अम्बिलिकल आर्टरी एंड सेकेंड एंड वन अम्बिलिकल वेन। सेकेंड ऑप्शन टू अम्बिलिकल आर्टरी एंड टू अम्बिलिकल वेन। थर्ड ऑप्शन टू अम्बिलिकल वेन एंड वन अम्बिलिकल आर्टरी। फोर्थ ऑप्शन वन अम्बिलिकल आर्टरी एंड वन अम्बिलिकल वेन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए टू अम्बिलिकल आर्टरी एंड वन अम्बिलिकल वेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर आर्टरी इन अपर लिम्स, अपर लिम्स में जो मेजर आर्टरी होती है वो कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन बैसिलर आर्टरी, सेकंड मैसेंट्रिक आर्टरी, थर्ड एक्सिलरी आर्टरी एंड फोर्थ फेमोरल आर्टरी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एक्सिलरी आर्टरी इज मेजर आर्टरी इन अपर लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज, पीने के पानी में फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन 0.5 PPM, 1 to 2 PPM, थर्ड 3 to 5 PPM एंड अबाव 10 PPM। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 3 to 5 PPM। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट कॉज वजाइनाइटिस। ऑप्शन में दिए गए ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वजाइनाइटिस का कॉज नहीं है? तो वजाइनाइटिस में क्या होता है कि वजाइना में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सालमोनेला, सेकेंड कैंडिडा अल्बिकन्स, थर्ड ट्राइकोमोनास वजाइनालिस एंड फोर्थ क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सालमोनेला। सालमोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से वजाइनाइटिस नहीं होता, इसकी वजह से टाइफाइड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इम्यूनोलॉजिकल सीरम, मेजर इम्यूनोलॉजिकल सीरम कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन IgA, IgG, IgE एंड IgM, एंड IgM इज अ मेजर इम्यूनोलॉजिकल सीरम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग सेल, एंटीबॉडी कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में? तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये फाइटर सेल होते हैं जो कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो उससे फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट इनको कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन टी लिम्फोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन प्लेटलेट्स, थर्ड RBCs मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड फोर्थ लिम्फोसाइट्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल स्किन वेरिएशन आर नॉट प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न, ऐसा कौन सा नॉर्मल स्किन वेरिएशन है जो न्यू बॉर्न में नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन मीलिया, सेकेंड ब्रूशेस, थर्ड वर्निक्स केसियोसा एंड फोर्थ स्टॉर्क बाइट्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ब्रूशेस। ये जो नॉर्मल स्किन वेरिएशन है ब्रूशेस, ये न्यूबॉर्न में प्रेजेंट नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय शुगर केन, गन्ना जो होता है उसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन बैसिनोसिस, सेकेंड बैगासोसिस, थर्ड एंथ्राकोसिस एंड फोर्थ
asbestosis. And correct option is bagasosis is the disease caused by the sugar cane. Then next question, who initiated the right to sight is name? WHO ने राइट टू साइट जो नेम है वो कब इनिशिएट किया? तो फर्स्ट ऑप्शन विजन 2015, सेकंड विजन 2020, फोर्थ विजन 2025 एंड फोर्थ विजन 2030 एंड करेक्ट ऑप्शन इज विजन 2020 कि इसमें WHO ने राइट टू साइट इनिशिएट किया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया मींस फर्स्ट ऑप्शन लॉस ऑफ स्पीच, सेकंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, थर्ड लॉस ऑफ मूवमेंट एंड फोर्थ इनएबिलिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन एंड करेक्ट ऑप्शन इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स अल्सो कॉल्ड, मीजल्स को और क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हैंसन डिसीज, सेकेंड ब्रेकबोन फीवर, थर्ड रूबेला एंड फोर्थ रूबेला. तो हैंसन डिसीज ये जो है वो लेप्रेसी के लिए दूसरा नाम है हैंसन डिसीज. देन ब्रेकबोन फीवर जो है वो डेंगू फीवर के लिए यूज़ होता है. तो मिजल्स के लिए रूबेओला यूज़ होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फर्स्ट ऑप्शन इवान पावलो, सेकंड विलियम जेन्स, थर्ड फेंड्रिक एंड फोर्थ लाइडिया हॉल एंड करेक्ट ऑप्शन इज फेंड्रिक. ये जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लशेस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जो हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या एडमिनिस्टर करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन HPL, सेकंड PAPA, थर्ड ओइस्ट्रोजन एंड फोर्थ प्रोजेस्टेरॉन एंड करेक्ट ऑप्शन इज ओइस्ट्रोजन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन ऑकर इन द फॉलोइंग डेज. जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओवुलेशन कौन से डे पे ऑकर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन 21 डेज, सेकंड 14 डेज, थर्ड 18 डेज एंड फोर्थ 7 डेज एंड करेक्ट ऑप्शन इज 14 डेज. 14 डेज पे ओवुलेशन ऑकर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसमेनोरिया का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सेकंड इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग, थर्ड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड फोर्थ साइक्लिक रिपीट एवरी 35 डेज एंड करेक्ट ऑप्शन इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज डिसमेनोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अडल्ट BMR डिक्रीज्ड विथ इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग. अडल्ट का जो बॉडी मास रेट होता है वो कम होता है, तो कब कम होता है, कौन सी चीज़ है जो इंक्रीज़ होने के बाद BMR डिक्रीज़ हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन बॉडी फैट मास, सेकंड फीवर, थर्ड बॉडी सरफेस एरिया एंड फोर्थ मसल्स. तो बॉडी सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉडी मास रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सूटेड पेल्विस फॉर डिलीवरी इज. बेबी डिलीवर्ड करने के लिए मोस्ट कॉमन जो सूटेबल पेल्विस है वो कौन सा है?
तो फर्स्ट ऑप्शन एंड्रॉइड, सेकेंड एंथ्रोपॉइड, थर्ड गायनेकॉइड एंड फोर्थ प्लैटीपोलॉइड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज गायनेकॉइड। गायनेकॉइड पेल्विस रहा तभी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी इजीली होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरम हेपेटाइटिस आल्सो नोन एज, सेरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, सेकेंड ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, थर्ड ऑप्शन हेपेटाइटिस सी एंड फोर्थ ऑप्शन हेपेटाइटिस डी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज हेपेटाइटिस बी, इज ऑल्सो नोन एज सेरम हेपेटाइटिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एच आई वी आर नॉट ट्रांसमिटेड फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जिसके यूज़ करने से एच आई वी ट्रांसमिट नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन हार्मोनल थेरेपी, सेकेंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थर्ड कॉन्डम, फोर्थ कॉपर टी 380। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्डम। कॉन्डम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से एच आई वी ट्रांसमिट नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर द ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन स्पॉन्डेलाइटिस, देन सेकेंड ऑप्शन हीमोफीलिया, थर्ड ऑप्शन मायस्थेनिया ग्रेविस एंड फोर्थ ऑप्शन पार्किंसंस डिसीज। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मायस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट आर नॉट ट्रांसमिशन ऑफ एच आई वी, ऐसा कौन सा रूट है जिसमें एच आई वी ट्रांसमिट नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन नीडल प्रिक, सेकेंड पैरेंटेरल रूट, थर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फोर्थ सेफ फॉर ब्लड एंड फ्लूइड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सेफ फॉर ब्लड एंड फ्लूइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन अबाउट द एनवायरमेंटल हाइजीन द कम्युनिटी पीपल इज, जब हम कम्युनिटी में एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम कौन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं? तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, सेकेंड सोशल कम्युनिकेशन, फोर्थ फॉर्मल कम्युनिकेशन, थर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड यूज इन हेल्थ एजुकेशन, कौन सा एवी एड है जो हम विजुअल हेल्थ एजुकेशन के समय यूज़ नहीं करते? तो फर्स्ट ऑप्शन चार्ट, सेकेंड फिल्म स्ट्रिप, थर्ड ऑडियो कैसेट एंड फोर्थ पोस्टर। तो हम ऑडियो कैसेट जो है वो हेल्थ एजुकेशन के समय यूज़ नहीं करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस आर ट्रांसफर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो इंस्टीट्यूशन में या फिर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हेपेटाइटिस डी, सेकेंड हेपेटाइटिस सी, थर्ड हेपेटाइटिस बी एंड फोर्थ हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइव्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल आर नीड क्लेम्ड अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज डिस्क्राइब बाय, जो बैलेंस होता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल, तो उसको जो अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है टू द इन्वायरमेंट, तो ये किसने डिस्क्राइब किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन जीन वैटसन्स, सेकेंड कैलिस्टा रॉय, फोर्थ मॉर्था रॉगर्स
एंड थर्ड मॉर्था रॉगर्स एंड फोर्थ वर्जीनिया हेंडरसन्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कैलिस्टा रॉय। अडॉप्टिव मॉडल जो है वो इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइस्ट अमाउंट आर एटीपी आर फॉर्म इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइकिल। एटीपी जो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कहाँ कौन सी साइकिल में फॉर्म होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड क्रेब साइकिल, थर्ड पीडीएच एंड फोर्थ पायरुविक एसिड फॉर्मेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल जो है वो एटीपी में होती है, एटीपी फॉर्म करती है, इन हाइस्ट अमाउंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट आर एडेड इन फूड आर एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर हम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो हम कौन से लेवल का प्रिवेंशन कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंड प्राइमोडियल प्रिवेंशन, थर्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड फोर्थ टर्शरी प्रिवेंशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर हम फूड में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम आर डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। कौन सा सिम्टम है जो डिफरेंस बताता है स्मॉल जेस्टेशनल एज का और लार्ज जेस्टेशनल एज का? तो फर्स्ट ऑप्शन हाइपोकैल्सेमिया, सेकेंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थर्ड हाइपोग्लाइसेमिया एंड फोर्थ पॉलीसाइथेमिया। एंड करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोकैल्सेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ इंक्रीज इन ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने का ये सिम्टम नहीं है। तो फर्स्ट क्लियर कॉन्शियसनेस, सेकेंड हेडेक, थर्ड इरिटेबिलिटी एंड फोर्थ ओमिटिंग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज क्लियर कॉन्शियसनेस। अगर रहा तो हम नहीं बोल सकते कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है।